गिनती गिनना बंद कर देते हैं। हम गिनती गिनना क्या बंद कर देते हैं तीसरी पारी में। हम क्या काम करते हैं, फिर सांस अंदर लिया तो फिर हमारी छाती और पेट फूल जाता है, तो उसी पे फोकस करते हैं। सांस अंदर भरते हमारा पेट और छाती फूलता है, जैसे ही सांस छोड़ते सिकुड़ जाता है, तो ऐसी पे फोकस करना। चौथी पारी में हम क्या काम करते हैं कि हमारे सांस जो स्पर्श करती है हमारे गले में, हमारी नाक में, हमारे होठ पे, ऐसी स्पर्श करता है। तो ये आनापान सती हम चार पारियों में करते हैं। तो पहली पारी में हम क्या काम करते हैं कि सांस अंदर लिया और छोड़ा, तो सांस छोड़ते समय हमें गिनती गिननी होती है 1 से लेके 10 तक, तो ये पहली पारी है। दूसरी पारी में हम क्या काम करते हैं कि सांस अंदर भरने से पहले गिनती गिनते हैं 1 से लेके 10 तक, ये दूसरी पारी है। तीसरी पारी में हम क्या काम करते हैं कि सांस अंदर लिया और छोड़ा, तो जैसे ही सांस अंदर जाती है तो हमारी हमारा पेट और छाती फूलता है, और जैसे ही सांस छोड़ते हैं सिकुड़ता है। तो इसी सांस के फूल मतलब छाती और पेट का फूलना और सिकुड़ना, इसी पे अपने मन को फोकस करना है। और चौथी पारी में हमारा जो सांस है वो स्पर्श करता है, जैसे स्पर्श महसूस होता है हमारी हमारे गले में, स्पर्श महसूस होता है हमारी नाक में, महसूस होता है या हमारे होठ पे महसूस होता है, या ऐसा भी कह सकते हो कि जैसे हम सांस अंदर लेते हैं तो ये ऑक्सीजन होती है मतलब प्राणवायु, तो ये ठंडी ठंडी लगती है हमारी नाक में, ठंडी लगती है, और जैसे ही अंदर ये ब्लड को प्योरीफाई करने के बाद बाहर आती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, गर्म हो जाती है। तो आप जो है जब नाक में अंदर जाती है ऑक्सीजन तो ठंडी, और जब बाहर निकलती है तो गर्म, तो ठंडी और गर्म इसका भी अनुभव ले सकते हो, या स्पर्श बिंदु पे भी अपना अपने मन को फोकस कर सकते हो। इस तरह से हम चौथी पारी को हम लेते हैं। तो मैं समझता हूँ ये चारों पारी आपको समझ में आ गई होगी। तो अब मैं ध्यान की तैयारी करते हैं, सभी लोगों से विनती है कि वो कृपया अपनी बैठक सही करें। यदि आपने अपनी बैठक सही कर ली तो समझो कि आपका आधा ध्यान हो गया। आपकी बैठक से ही बहुत कुछ बातें मतलब सिद्ध हो जाती हैं, बहुत कार्य हल हो जाएगा। तो अपनी बैठक बैठक में क्या क्या चीज है, हमारी कमर सीधी रहनी चाहिए, हमारा शरीर तनाव मुक्त रहना चाहिए, और धीरे से अपनी आंखें बंद करेंगे। धीरे से अपने शरीर के संपर्क में आएंगे, अपने शरीर को देखेंगे सिर से लेके पैर तक, उसके बाद अपने मन को देखिए, मेरे मन मेरा मन कैसा है, सुखी है, दुखी है या तटस्थ, कैसा महसूस कर रहे हैं, कौन सी फीलिंग है हमारे मन में। अपने सांस के संपर्क में आइए, मेरा जो सांस है वो सांस आना चाहिए, हमारा सांस नाभि तक जाना चाहिए, ऐसा महसूस करेंगे तो अच्छा रहेगा, विचार नहीं आएंगे। अपने सांस के संपर्क में बराबर बने रहिए, आनापान सती ध्यान की पहली पारी, सांस छोड़ते समय गिनती गिननी है 1 से लेके 10 तक।
आनापान सती ध्यान की दूसरी पारी, सांस अंदर भरने से पहले या सांस अंदर भरते समय गिनती गिननी है, 1 से लेके 10 तक। आनापान सती ध्यान की तीसरी पारी, गिनती गिनना बंद कर देते हैं, सांस जैसे हम अंदर लेते हैं हमारी छाती हमारा पेट फूल जाता है, जैसे ही सांस छोड़ते हैं हमारा पेट और छाती सिकुड़ जाता है, छाती और पेट के फूलने एवं सिकुड़ने, इसी पे अपने मन को फोकस करना।
आनापान सती ध्यान की चौथी एवं अंतिम पारी। सांस जब हम लेते हैं और छोड़ते हैं तो हमारी सांस स्पर्श होती है हमारे गले में, हमारी नाक में, हमारे होंठ पे, जहां भी हमें महसूस होती है उस स्थान पे हमारी वेदना संवेदना हमें महसूस होती है, उस वेदना संवेदना का अनुभव लेना। धीरे धीरे
अपनी सामान्य अवस्था में आएंगे, आनापान सति ध्यान समाप्त। आगे की कार्यवाही के लिए हमारे विनोद